A very good morning, class 9th. So we were studying the topic pronouns and its types, and we were doing the exercises of that topic. Yesterday I sent you a video of these two exercises, exercise A and topic A and exercise A and B. So today I'll give you exercise on the possessive pronouns. पोजेसिव प्रोनाउंस मैंने बताया है आप लोगों को. पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? दिस शो द ऑनरशिप और द पोजेशन ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ जो है किस इंसान का है, किसका किससे किसका जो है ये बिलोंग करता है किससे, तो ये होता है पोजेसिव प्रोनाउन. तो उस टॉपिक के बेसिस पे जो है आप ये एक्सरसाइज हम करेंगे, पार्ट ए फोर जी. ठीक है, सो द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पोजेसिव प्रोनाउंस. इसमें आप लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं, वी हैव गिवन फोर ऑप्शंस. ठीक है, तो इन फोर ऑप्शंस में से हमें फिल करने हैं अप्रोप्रिएट इनमें प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस जो है हमें फिल करने हैं. पहला सेंटेंस है, येस यू आर राइट दैट स्मॉल टॉय बिलोंग्स टू मी. तो इसमें देखो, माइन है, यूअर्स है, दियर्स है और आर्स है. तो येस यू आर राइट दैट स्मॉल टॉय बिलोंग्स टू मी. ठीक है, मेरा है. तो इट इज़ क्या आएगा? फॉर मी जो होता है इसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. फिर हमें अगर मी को चेंज करना है इनटू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो हमें कि हम कैसे लिखते हैं, मी चेंज हो जाता है माइन में. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, येस यू आर राइट दैट स्मॉल टॉय बिलोंग्स टू मी, इट इज़ माइन आ जाएगा. फिर है नेक्स्ट, दिस टेबल इज़ यूअर्स बट दैट टेबल इज़ माइन. यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट दिस टेबल इज़ योअर्स. ठीक है ना, योअर्स आ जाएगा यहाँ पे, बट दैट टेबल इज़ माइन. ये टेबल तुम्हारा है लेकिन वो टेबल जो है वो मेरा है. तो यहाँ क्या आ जाएगा, योअर्स आ जाएगा नेक्स्ट में. फिर थर्ड सेंटेंस है, डोंट टेक दोज अम्ब्रेलाज, कैन यू सी दोज मैन, दे आर आर्स. ठीक है, बहुत सारे लोगों को कहा गया है दोज मैन. तो ये जो है बहुत सारे लोग जब एक जगह हैं तो उनको कैसे हमने कहा है, डियर्स नहीं आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, आर्स आ जाएगा. फिर है, नो दिस इज नॉट आर हाउस, दैट हाउस इज. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा फोर्थ सेंटेंस, नो दैट दिस इज़ नॉट आर हाउस, दैट हाउस इज़ दियर्स. वो हमारा घर नहीं है, किन का है, उनका घर है. ठीक है ना, तो यहाँ पे दियर्स आ जाएगा. सो फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें माइन आ जाएगा, सेकेंड में जो है योर्स, फिर थर्ड में आर्स, फिर फोर्थ वाला जो है उसमें आ जाएगा दियर्स. ठीक है, तो ये आप लोगों का था फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पोजेसिव प्रोनाउंस के चार सेंटेंसेस थे. नेक्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है नीचे प्रोनाउंस, हमें जो है ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं नाउंस, उनको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस. ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है, शी ऑफन रीड्स बुक्स. ठीक है, शी ऑफन रीड्स बुक्स. तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिया हुआ है, लीसा, किसी लड़की का नाम जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है. तो हमें इस लीसा को जो है रिप्लेस करना है विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउन. तो लीसा, सो लीसा को जब हम किसी फीमेल को जो है, गर्ल को जो हमें रिप्लेस करना होगा किसी नाउन प्रोनाउन से, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एज ए सब्जेक्ट शी यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, ही इज़ ड्राइंग ए पिक्चर. ठीक है, ही इज़ ड्राइंग ए पिक्चर. ही जो है मैंने किसके लिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है जिम. ठीक है, जिम जो है किसी लड़के का नाम है ना, तो हमने यहाँ जिम को रिप्लेस करते हुए मैंने क्या लिखा है, ही लिखा है. ठीक है, ही इज़ ड्राइंग ए पिक्चर. नेक्स्ट ब्रैकेट में हमें है ब्लैक बोर्ड दिया हुआ है, हमें इसको फिल करना है विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउन. तो यहाँ डैश इज़ ब्लैक इन कलर, तो डैश में हमें ब्लैक बोर्ड को जो है चेंज करना है इंटू ए पर्टिक्यूलर इंटू इज रेस्पेक्टिव प्रोनाउन. तो किसी चीज़ को जो है, किसी चीज़ या किसी एनिमल को हम किसके साथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इट लिखते हैं. ठीक है, तो इट इज़ ब्लैक इन कलर, यानी ब्लैक बोर्ड जो है ब्लैक है इन कलर. ठीक है, देन वी हैव द थर्ड सेंटेंस, इन द ब्रैकेट इट्स गिवन माई पेरेंट्स एंड आई. ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस क्या है, डैश वी आर वॉचिंग ए टीवी सीरियल. तो यहाँ माई पेरेंट्स एंड आई कलेक्टिवली जब हमें कहना होगा बहुत सारे लोगों को, हम क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं. ठीक है, एज ए सब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ वी आर वॉचिंग ए टीवी सीरियल, वी यानी माय पेरेंट्स एंड आई, इनको हमने रिप्लेस किया विद प्रोनाउन वी के साथ. ठीक है, फिर नेक्स्ट है, डैश बिलोंग्स टू रायपुर, ब्रैकेट में क्या है, सोनाली. तो सोनाली कहाँ की है, रायपुर की है. तो सोनाली एक लड़की है, तो हमने रिप्लेस किया उसको विद अ प्रोनाउन शी के साथ. फिफ्थ सेंटेंस यू हैव, डैश हैज नो ब्रदर्स, इन द ब्रैकेट इट्स बॉब. ठीक है, बॉब जो कि एक लड़के का नाम है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे विद द प्रोनाउन ही. ठीक है, ही हैज़ नो ब्रदर्स. देन सिक्स सेंटेंस इज, हियर इज जय, आई वॉन्ट टू सिट विथ. जय के साथ हमें क्या हम लिखेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे हिम.
ठीक है, हियर इज जय, आई वॉन्ट टू सिट विथ हिम, डैश इज अ हेल्पफुल गर्ल। तो हमें गर्ल को पता है, जब मीरा जो है एक लड़की है, तो हमें क्या लिखना है उसके साथ, शी लिखना है। एट सेंटेंस है, दैट इज अलीज बैग, दैट बैग इज डैश। तो अलीज जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो अली को हमने जब पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए हमें इसको यूज करना है, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट बैग इज हिस। नाइन्थ सेंटेंस है, बॉब एंड बिल आर माई नेबर्स, आई नो देम, डैश में लिखना है हमें देम, बॉब एंड बिल, दे आर टू बॉयज। तो हमें जब उन दोनों को एक साथ हमें बताना हो, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बॉब एंड बिल आर माई नेबर्स, आई नो देम। बॉब एंड बिल को जो है कलेक्टिवली हम देम लिखेंगे, ठीक है। टेंथ सेंटेंस यू हैव, आई विल टॉक, आई विल हैव ए टॉक विद डैश, डैनी एंड अमर। फिर से दो लोगों को कहा गया है, दो बॉयज़ का नाम लिखा गया है, तो हम क्या लिखेंगे, उनको फिर से रिप्लेस करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट, देम। आई विल हैव ए टॉक विद देम, देम यानी डैनी एंड अमर। इलेवेंथ सेंटेंस यू हैव, डैश हैज़ विस्कर्स, डैश यानी कैट, कैट को हम क्या लिखेंगे, इट के साथ लिखेंगे, ही भी नहीं लिख सकते हैं, शी भी नहीं लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, इट, इट हैज़ विस्कर्स। डैश आर गोइंग टू द बीच, यामिनी एंड यूसुफ, तो दे लिखेंगे, दे आर गोइंग टू द बीच। थर्टीन सेंटेंस है, डैश प्लेड लूडो, लूडो खेला, किसने खेला, माई मदर एंड आई यानी वी, ठीक है ना, वी प्लेड लूडो। कलेक्टिवली माई मदर और आई को जब हम रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। प्लीज हेल्प डैश आई, आई को हमने, मैंने बताया था एज एन सब्जेक्ट, हम आई बताएंगे, लेकिन जब हमें आई को चेंज करना है इंटू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, मी, प्लीज हेल्प मी। फिफ्टीन सेंटेंस है, कैन यू राइट दिस लेटर फॉर डैश, फॉर किसके लिए, माई फ्रेंड एंड मी यानी अस, फॉर अस, अस यानी माई फ्रेंड और मेरे लिए एक लेटर लिखो, कैन यू राइट दिस लेटर फॉर अस। डैश आर ग्रोइंग इन द पॉट्स, ठीक है, पॉट्स में जो है क्या ग्रो कर रहा है, फ्लावर्स यानी दे आर ग्रोइंग इन द पॉट्स, दे किसको कहा गया है, फ्लावर्स को, बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट है। फिर सेवनटीन सेंटेंस है, डैश इज स्लीपिंग इन हिज बेड, टॉम को रिप्लेस करेंगे हम किसके साथ, एक लड़का है तो ही के साथ ये रिप्लेस हो जाएगा, ही इज स्लीपिंग इन हिज बेड, दैट इज सीमाज हाउस, ठीक है, वो मकान जो है सीमा का है, दैट हाउस इज सीमाज, तो सीमाज को हम किसके साथ करेंगे रिप्लेस, हर्स के साथ, क्या लिखेंगे, हर्स। नाइनटीन सेंटेंस यू हैव, दीज पपीज बिलोंग टू अस, दे आर डैश, दे आर, ये पपीज जो है छोटे छोटे पपीज किसके हैं, हमारे हैं, तो हमारे हैं, तो दे आर आर्स लिखेंगे, अस को रिप्लेस करेंगे आर्स के साथ। दिस बुक बिलोंग्स टू रोहन एंड सोहन, ये किताब किसकी है, रोहन और सोहन की। दिस बुक इज दियर्स, दियर यानी दो लोगों को जब कलेक्टिवली लिखेंगे हम, तो रोहन और सोहन दोनों की किताब है, तो रोहन और सोहन को जो है किसके साथ रिप्लेस करेंगे, दियर्स के साथ, ठीक है, टू शो देयर पोजिशन कि दे वो बुक जो है किन क्या है, रोहन और सोहन का है। तो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज था आप लोगों के लिए, किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव प्रोनाउंस के बेसिस पे, ठीक है। मैंने आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउंस की भी एक एक्सरसाइज कराई, उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउंस की एक एक्सरसाइज कराई, फिर मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है उसके बेसिस पे जो है एक छोटी सी एक्सरसाइज नेक्स्ट वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो है भेजूंगी। ये एक्सरसाइज भी आप लोग अच्छे से फेयर पे कॉपी करके अच्छे से समझो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लासेस में भी, ठीक है। फिलहाल इतना काफ़ी है आज के लिए, तो ये कॉपी पे अच्छे से फेयर आउट कर लेना सारा एक्सरसाइजेस, एफ और जी पार्ट जो है कॉपी पे लिख लेना, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप लोग बता सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, खुदा हाफिज़।